हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स देखिए, अब जो है ये सितंबर ख़त्म हो गया है और अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा मौसम जो है वो अपना जो बदल रहा है। तो अब हम मैंने सोचा कि चलो जाड़ों के कुछ पौधे लगा लेते हैं। उनकी जो है वो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए, ये मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं जिनको कि मैंने लगाया है। गुलदाउदी जाड़ों में बहुत ही खूबसूरत लगती है ये लगी हुई। और ये मेरी पुराने साल की गुलदाउदी है, पिछले साल की। तो इसको भी जो है वो मैंने चारों तरफ इसमें स्टिक लगा के और इसको जो है इसमें से सूखी पत्तियां हटा के सब इसको कायदे से करके बांध दिया है, क्योंकि ये भी खूब फ्लावर्स देगी। और ये इधर भी गुलदाउदी देखिए लगा दी है। जाड़ों का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है गुलदाउदी, क्राइजेंथिमम जिसको बोलते हैं। इस पर कई वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन उसका लिंक सबका डाल दूंगी अपने वीडियोस का। और ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो है वो बीज लगाए हैं आपके गुल मेहंदी के। तो ये जो है ये आपके गुल मेहंदी के पेड़ ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं और इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। वैसे तो गुल मेहंदी बरसात का फूल है, लेकिन बरसात हमारे यहाँ जो है वो देर में हुई है। अब इस समय भी हो रही है बरसात, बीच बीच में एक आध दिन रुकती है, फिर पानी बरस जाता है। तो गुल मेहंदी जो है वो जितनी अधिक बरसात होती है उसमें उसके पेड़ उतने ही अच्छे हो जाते हैं। फिर मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी मिला के इसको और बड़ा होने में मदद करी, तो ये पेड़ सब मेरे घने हो गए हैं। और अब देखिए, ये नीचे से फ्लावर्स निकलना और बढ़ जाना शुरू हो गई हैं। तो गुल मेहंदी भी अच्छी लगेगी अक्टूबर में खिली हुई पूरी। तो इसके बाद जो है ये देखिए, मैं गेंदा ले आई थी। ये अब गेंदे का मौसम बहुत आएगा तो मैं भी स्टार्ट हुआ है गेंदा, तो मुझे इसकी छोटे पेड़, ये हज़ारा गेंदा है, तो ये बहुत अच्छे लगे मुझे नर्सरी पे। तो मैं ये ले आई थी गेंदे के पेड़, तो इनको जो है वो मैं रिपोर्टिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये गमले ले लिए हैं और ये छोटे पौधे हैं, तो मैं एक गमले में दो दो पौधे लगाऊंगी। तो ये देखिए, गमले के नीचे ये जैसे ये होल होता है, तो इसमें मैंने ये ठीकरी रख दी है, नहीं तो ये मिट्टी जो है नीचे जा करके सब जाम कर देती है होल को इस तरीके से। और अब मैं एक एक गमले में दो दो पौधे लगाऊंगी गेंदा के। तो ये मैंने मिट्टी ली है, ये इसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो रेत डाली है और बहुत थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये पौधे मेरे अभी इतने छोटे हैं कि इनमें मैं कोई भी खाद अगर ज़्यादा डालूंगी तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत छोटे हैं ये, तो इनको जो है अब हम गमले में लगा लेते हैं। जाड़ों की तैयारी है, क्योंकि अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करेंगे। अभी मैं ये गेंदे के पौधे लाई हूँ, लेकिन मैं अभी और लाऊंगी गेंदे के पौधे। गेंदा बहुत सुंदर लगता है पूरे गार्डन में खिला हुआ। तो इस तरीके से ये अब मैं इसको, मैंने मिट्टी में कुछ भी खास ऐसा नहीं डाला है, इसमें मैं ऐसे होल करके और एक एक गमले में जो है वो दो दो आपके पौधे जो हैं वो लगा दूंगी। ये इसमें लगे होते हैं डिश में, इसको ऐसे करिए तो ये देखिए निकल आते हैं। अब ये निकल आए तो इनको आप बिल्कुल बीच में रख दीजिए और इसके ऊपर यहाँ पर मिट्टी डाल दीजिए। उसके बाद फिर मैं इसको भी लगा दूंगी, ये दूसरा, इसको भी। ये देखिए, इधर से यहाँ से निकाला और ये निकाल के इसको भी जो है बहुत आसानी से ये अपने आप ही लग जाते हैं। और इनमें बस पानी का ये है कि पानी जब आप देखें, जैसे ये मिट्टी मेरी हल्की हल्की गीली है, तो मैं इसमें पानी अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि इतने छोटे पौधों के लिए जितनी गीली मिट्टी है तो ये इनके लिए सफिशेंट है। तो जब मैं देखूंगी गमला पूरा सूखा हुआ है तब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो ये दूसरे गमले में भी लगा लेते हैं, इसको भी पूरा फिल कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा जाड़ों का काम करने से बहुत से ऐसे पौधे हैं जो फूल नहीं दे रहे हैं, तो वो भी हटाने हैं। कुछ ना कुछ काम गार्डन में चलता रहता है, लेकिन मेरा गार्डन फ़िलहाल जो है वो इस समय भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और उसमें ढेरों फ्लावर्स हैं।
पर ये देखिए, ये देखिए, अब मैं इसको लगाऊंगी, इसको भी ऐसे होल किया और अंदर कर दिया। ये भी ऐसे ही बड़ा प्यारा लगता है मुझे, छोटे छोटे पौधों को बोना गमले में ऐसे करके। ये थोड़ा सा दूर करके लगा दिया है ताकि आपस में जड़ें जो हैं वो ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 5 गमलों में ये 10 पेड़ हज़ारा गेंदा के लगा दिए हैं, और अब इसमें ये थोड़े से बड़े हो जाएं तब मैं इसमें खाद दूंगी एक 15 दिन बाद। तो ये होगा कि नवंबर में मुझे खिले हुए फूल मिल जाएंगे। अभी मुझे और भी पौध लानी है, लेकिन हर नर्सरी पे जो है पौध अभी गेंदा की आई नहीं है, तो जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे मैं जाड़ों के फूल लगाती जाऊंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जाड़ों में आप गुलदाउदी, गेंदा और ये आपका बालसम के अलावा जो है आप इस अब पिटोनिया लगाइए, पिटोनिया भी मुझे लगाना है, और साल्विया भी लगाना है आपका, और बहुत सारे इतना आता है सीज़न में जाड़ों में फूल, वो सभी धीरे धीरे करके अपने गार्डन में ऐड करूँगी। डहलिया के बल्ब भी मेरे पीछे जो हैं वो गमलों में पड़े हुए हैं, उनमें भी छोटे छोटे से अभी कल्ले निकले नहीं हैं, क्योंकि डहलिया थोड़ा सा ठंडक पा के निकलता है, वो निकल आएगा तो वो भी हो जाएगा गार्डन में। तो इस तरीके से मैंने अब जाड़ों में की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने रोज़ जो हैं उनकी भी कटिंग कर दी है, और कटिंग करके मैंने उनके अंदर जो है वो एक तो चाय की पत्ती और ये आपका वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ये सब जो है मैंने उसमें खादें अभी भर दी हैं, गोबर की खाद भरी है ताकि उनमें से पत्तियां निकल आएँ। मैं आपको अपने रोज़ प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जाड़ों के लिए मैंने अपने रोज़ की जो के पौधे जो हैं ये बहुत बड़े गमले में लगे हैं, इनको बिल्कुल जो है ये ऊपर से बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग करी है इनकी, और इनमें जो है गड्ढा खोद के एक दिन ऐसे ही रहा, उसके बाद मैंने इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ये सब ताकि कीड़ा ना लगे, ये मैंने इसमें डाल दी है। और ये वाले जो मेरे पौधे हैं इनमें ये छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं ये रोज़ के अभी आ रहे थे, तो मैंने इनको नहीं काटा है, क्योंकि वैसे तो हार्ड प्रूनिंग होनी चाहिए, लेकिन बर्ड्स हों और फ्लावर हों तो किसी भी पेड़ को काटने का मन नहीं करता है, और कटिंग तो अभी चलेगी, मिड अक्टूबर तक हो सकती है। तो अभी इस पे जो ये खिल रहे हैं फूल, ये थोड़े से वो हो जाएँ, फिर इसकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। आपके यहाँ भी रोज़ लगे हों तो अब टाइम आ गया, आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करिए, चारों तरफ से गड्ढा खोदिए, उसको एक दिन खुदा रहने दीजिए, उसके बाद उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ये सब बोन मील वगैरह मिला के भर दीजिए, और खूब सारा पानी दे दीजिए। थोड़े दिन बाद गर्मी पा के जो है इसमें नए कल्ले निकल आते हैं। तो ये सब मैंने अपने बाग में जो है वो तैयारी शुरू कर दी है, और भी मेरे जो हैं वो प्लांट्स, ये देखिए ये आपका एक्जोरा का कितना सुंदर प्लांट सब खिले हुए लगे हुए हैं। तो जाड़ों के पौधों के ऊपर अब ध्यान है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप अपने गार्डन में लगाने के लिए जाड़ों के पौधे नहीं लाए हैं तो आप भी ले आइए, और ये छोटे छोटे पौधे सभी नर्सरीज में मिलना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।